स्वर्गीय रोहितास बड़सरा की प्रथम पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर में हरे पेड़ वितरण कर पर्यावरण बचाने का दिया संदेश। उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र के पचलंगी ग्राम पंचायत में रविवार को स्वर्गीय रोहितास बड़सरा की प्रथम पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें रक्तदान के साथ निःशुल्क आँख जाँच व हड्डी जाँच के साथ साथ मिशन ग्रीन व गो सेवा दल की टीम की ओर से एक नई पहल की शुरुआत करते हुए रक्तदान शिविर में मौसम को देखते हुए पर्यावरण बचाने का भी संदेश लेते हुए हरे पेड़ वितरण किए। इस दौरान राकेश बड़सरा ने संकल्प लेते हुए पचलंगी ग्राम पंचायत में 4000 हरे पेड़ों का वितरण किया है। इस दौरान रक्तदान करने वाले प्रत्येक रक्तदाताओं को एक हेलमेट, एक हरा पेड़ व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान किया। इसी दौरान राकेश बड़सरा ने संकल्प लेते हुए पचलंगी ग्राम पंचायत को पौधारोपण करने के साथ उन्हें सफल बनाने का भी कार्य किया है। अब तक वह करीब 4000 पेड़ वितरण कर चुके हैं। वहीं गांव में हरा भरा रखने के उद्देश्य से पर्यावरण को बचाने के संदेश के साथ मिशन की शुरुआत की है। रक्तदान शिविर के दौरान ग्राम पंचायत में हरे पेड़ों का वितरण किया है। वहीं एक नई पहल की शुरुआत की है। इस दौरान 200 से लगभग 250 यूनिट से अधिक रक्तदाताओं ने रक्तदान किया है। वहीं आँखों की जाँच के लिए 80%, वहीं हड्डियों की जांच के लिए 70% पहुंचे। इस दौरान पूर्व प्रधान प्रतिनिधि मदनलाल भांवरिया, समाजसेवी सुरेश मीणा किशोपुरा, मुक्तिलाल सैनी, युवा नेता रोहितास सैनी, विनोद कुमार जोशी, महिपाल सैनी, गिरधारी लाल सैनी, राकेश मीणा युवा नेता, गजेंद्र सिंह पचलंगी, विजय सैनी, ताराचंद भांवरिया, गुलाब कुमार, हिम्मत सिंह, फूलचंद कुड़ी, चिक्कू स्वामी, आशीष डेवा, मालीराम बड़सरा, अमित चंद बड़सरा, शीशराम बड़सरा, सोनू उढ़ेल का महिलाओं ने फूलमाला व साफा पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इसी दौरान गो सेवक राकेश बड़सरा व अन्य समाज से भी लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। वहीं इस दौरान पचलंगी जड़ाया मंदिर के महंत सीतादास महाराज का भी साल व माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। वहीं उनसे पैर छूकर आशीर्वाद लिया। तिथि पर रखा गया है, ये जो भी काम हुआ है ये हमारे बड़े भाई साहब राकेश जी के मतलब संदर्भ में ही हुआ है। इसमें निःशुल्क चिकित्सा, जिसमें आँखों की हड्डियों की निःशुल्क जांच की गई है और अच्छे अच्छे बाहर दूर दराज से डॉक्टर बुलाए हैं। इसके अलावा पेड़ भी वितरण करे गए हैं और ब्लड डोनेशन की भी मतलब अच्छी क्वान्टिटी में हम लोगों ने एकत्रित किया है और आगे भी यही संदेश देंगे लोगों को कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ वितरित करें और जितना मनुष्य जीवन किसी दूसरे के मतलब बल्कि किसी दूसरे की भलाई के काम में आ सकता है उतना मतलब भलाई का काम करें। तो और धन्य धरा और स्वर्गीय बड़सरा साहब की पुण्यतिथि पर ये जो आयोजन कर रहे हैं निश्चित तौर पे युवाओं में, आम लोगों में परिवर्तन लाएगा और देश और दुनिया में इसका मैसेज आ रहा है। बहुत सुंदर पवित्र काम है, हम तो आके प्रफुल्लित हैं। इतना सुंदर कार्य, इतनी प्रतिभाएं, हमारी बेटी बावरिया जी, भाई राकेश बड़सरा ने जो ये काम किया है निश्चित तौर पे मानवता को और युवाओं को एक नया संदेश दिया है। मैं इनको सैल्यूट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और इस पतलंगी की तरह को प्रणाम करता हूँ। शिविर वैसे दादाजी को खत्म हुए 24 साल हो गई, लेकिन ये प्रथम रक्तदान शिविर है और इसमें प्रदेश से लोग दूर दराज से खूब पहुँचे हैं और अभी भी लोग आ रहे हैं। अभी तो दोपहर का समय है लेकिन ये रक्तदान शिविर शाम तक चलेगा, देर तक। अभी लगते हैं लगभग 150 के करीबन आ चुकी है और अभी अनुमान है लगभग 400 को करीबन पहुंच जाएगा। एक तो बहन है सोनू जी उडेल जो अभी सीकर से, कुछ हमारे मित्रगण जयपुर से आ रहे हैं, हमारे सुरेश जी मीणा जिस दूर दराज किशोरपुर गांव से आए हैं, कुछ ताराचंद जी बावरिया साहब हमारे सुरेश जी मीणा जो कॉलेज के प्रोध्यक्ष हैं और खेतड़ी से हर विधानसभा क्षेत्र से हमारे लोग पहुँच रहे हैं और हमारे नापाल के सरपंच भी आए हुए हैं यहाँ पे कुड़ी साहब, जाने मतलब प्रदेश के हर कोने कोने से लोग पहुँच रहे हैं। इसमें हमारा एक मैसेज है, हमारा रक्तदान शिविर का उद्देश्य है, पहले तो हम गौ माता की सेवा करते थे और इसके साथ साथ हम मानव धर्म में भी अपना हाथ बांटना चाहते हैं। किसी भी भाई को यदि आधी रात किसी को रक्त की जरूरत पड़ेगी, किसी भी प्रकार की जरूरत पड़ेगी तो हमारी टीम उसके लिए तत्पर तैयार रहेगी। और एक पर्यावरण के प्रति, पिछले दिनों हमारा तापमान 50 डिग्री प्लस हो चुका था, इससे हमने कुछ सबक लिया, हमने बैठ के पूरी टीम ने निर्णय लिया कि हम क्यों ना हमें ऐसा काम करें जिसे समाज के अंदर एक अलग संदेश दे। और इसके चक्कर में हमने 2000 पेड़ मंगवाए और हमारे पूरे गांव में वितरित किए जा रहे हैं और हमारा जन्मदिन, मेरा जन्मदिन परसों का है, उस पर भी 2000 पेड़ बांटे जाएंगे। हमारा टारगेट 4000 पेड़ होगा।
लगातार रहे हैं, उनको हेलमेट और प्रशस्ति पत्थर और एक पेड वेट कर रहे हैं। लोगों का मेरा यही मैसेज है कि हर युवा शक्ति को आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए और हर युवा शक्ति को अपने ग्राम पंचायत स्तर पर ऐसा कार्यक्रम का आयोजन कराना चाहिए जिसमें समाज में एक नया संदेश है और समाज में एक अच्छा बदलाव आए। रोहतास जी बक्सरा जो सरोगे हैं, उनके पुत्र सरदास जी, राजेश जी महाराज और सुरेश जी, अपनी राकेश जी, इनका परिवार चेतराम जी, तमाम जोधराम परिवार जो बक्सरा परिवार देवीपुरा का है, इन्होंने 26 साल पहले हमारे रोहतास जी का देहांत हो गया था और बहुत बड़ी खुशी की बात है, बड़ी गौरव की बात है। इतना बड़ा पुण्य का कार्य, रक्तदान महादान जिसका ये कैंप लगा करके बहुत बड़ा पुण्य कमाया है और उनकी महान आत्मा को भी शांति प्राप्त हुई है। और 2000 पेड़ जो मंगाए हैं, 4000 का लक्ष्य रखा गया है। युवाओं में एक बहुत बड़ा संदेश गया है कि यहाँ पेड़ लगाओ, पर्यावरण को ठीक करो, ये बढ़ती गर्मी को रोकने का कोई काम करेगा तो यह हरियाली करेगी और पेड़ करेगा और यही रक्तदान देश के किसी गरीब के काम आएगा, उसका जीवन बचाने का काम करेगा तो इनको दुआ मिलेगी। जो खून पलट दे रहा है उसको दुआ मिलेगी, देश का जवान सीमा पर लड़ता है उनको खून मिलेगा और यही दान, ये रक्तदान महादान जो जन जन की भावनाओं में पैदा होगा, देश में एक नई उमंग पैदा होगी। युवा कार्यकर्ता बहुत बड़ी उमंग पैदा हुई है। आप यहाँ हमारे अशोक जी पालीवाल, हमारा संचालन के आप वीडियो माध्यम से पधारे, हमारे सूरज जी मीणा दूर से पत्रकार पधारे, तमाम रिश्तेदार नातेदार हमारे रामनिवास जी निशानित गुरु के अध्यक्ष पधारे, श्री जगदीश जी जाखड़ जो है हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे, डॉक्टर रणदीप जी रहे और हमारे आस पास के कार्यकर्ता विजय जी कूड़ी सरपंच हमारे और राजकुमार जी जाखड़ जनप्रतिनिधि आगवाड़ी, आस पास के तमाम हमारे पंडित विनोद जी जोशी हमारे जयपुर से भी पधारे हैं, हमारी बहन जोशी जो पधारी है, शुभ बढ़ाई इस कार्यक्रम के लिए। मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ा कोई दान है तो रक्तदान है, इससे बड़ा कोई दान नहीं है। जीवन बचाता है, जीवन को बनाता है और वृक्षारोपण अगर है तो सबसे बड़ा पर्यावरण को ठीक करने का काम करता है। यह अमृता देवी का बहुत बड़ा संदेश हमारे पुनरावर्तित पावन भूमि पंचलिंग पर हुई है। अमृता देवी ने उस जमाने में 300 खेतड़ी ग्राम के लोगों से बलिदान दिया, प्रेरणा ली और अपना बलिदान दे करके प्रेरणा के लिए पर्यावरण को ठीक करने के लिए बहुत बड़ा। आज मां अमृता देवी की आत्मा को भी शांति होगी, हमारे परम श्रद्धे रोहतास जी की आत्मा को भी शांति होगी, इनके परिवार गांव सभी बहन बेटी तमाम लोगों ने उत्साह के साथ में काम किया है। आप पुनः आप सब पत्रकारों को पधारे, अतिथियों को, युवा साथियों का जिन्होंने प्लॉट दिया और राज के सेवा में जिन्हों डॉक्टरों की चिकित्सा टीम है जो बड़ी मेहनत से काम कर रही है, कार्यकर्ता मेहनत से काम कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद जी, उनके लिए शुभकामना, धन्यवाद जय।